दुनिया का वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना। उसी मुल्क में कल कुछ ऐसा हुआ कि एक जवान ने एक मॉर्निंग शो में एंकर्स को कहा कि आप बेहयाई फैला रहे हो। तो एंकर ने कहा, कौन सी बेहयाई की बात कर रहे हो भाई, तुम्हें नहीं पता ये मॉर्निंग शो है। मॉर्निंग शो में आए हैं, आपको जी मॉर्निंग शो का फॉर्मेट पता है, आपको पता है कि खवातीन आ रही हैं, सिंगिंग भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा। और उधर एक मम्मी डैडी जवान उसे कह रहा था, ओए हाँ यार, हमें तो इस्लाम का ठेकेदार बनना है। भाई जी, आपको अगर इस्लाम अच्छा नहीं लगता तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मुल्क से रफा दफा हो जाओ। और कुछ इस तरीके से ये इस्लाम का ठेकेदार वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें शर्म आए। अब उस जवान ने कहा कि आप हमारे मुआशरे में बेहयाई फैला रहे हो, और वो इस वीडियो के एंड तक मैं साबित कर दूंगा कि कैसे फैलाई जा रही है। खैर, उस लड़की ने पूछा कि कौन से मुआशरे की बात आप कर रहे हो, तो वो उस मुआशरे की बात कर रहा था जिस मुआशरे को आप बैकवर्ड कहते हो, जो पाकिस्तान का मुआशरा है। अब बेहयाई कैसे फैलाई जा रही है, हमारे अंदर ख्वाहिशें कैसे पैदा की जा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप टीवी चैनल देखो, देखो मॉर्निंग शो शुरू होएगा, उसमें आपको मॉर्निंग शो के नाम पे डांस सिंगिंग तो अलग हो गया, कुछ और चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे जी जोड़ों की शादी की जाती है, ठीक है। और शादी किस तरीके से की जाती है, बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं, बड़ी डेकोरेशंस की जाती हैं, जिन्हें देख के हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होती हैं कि मेरी भी तो शादी होएगी ना, मुझे भी तो स्पेशल फील होना चाहिए ना। बेसिकली वो आपको फील करवाते हैं कि आपकी शादी पे आपको स्पेशल फील होना चाहिए। स्पेशल वही होता है जो अंदर से स्पेशल होता है, बाहर से जितनी बड़ी डेकोरेशन कर लो कोई स्पेशल नहीं होना, बट वो हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशें पैदा कर रहे हैं। दूसरा जी, रात को अगर देखो आप तो जी शो होते हैं जिनमें क्या कहा जाता है कि जी जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसको तोहफा मिलेगा, ठीक है, जो सबसे अच्छा गाना गाएगा उसको तोहफा मिलेगा। या दो ग्रुप बन गए हैं, जो दूसरे की बेइज्जती अच्छी तरह से करेगा, जो दूसरे पे जुगत अच्छी तरह से करेगा उसको तोहफा मिलेगा। हाँ, ये महज़ब तरीके के जो मुआशरे होते हैं उनमें इस तरह से होते हैं शो, इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। अभी किसी ने इस चीज़ को पिक तो किया, उसने अपलोड तो किया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लगी होगी बोरिंग, लोगों ने ये डर के इस चीज़ को शेयर नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जी लोग कहेंगे तुम इस्लाम के ठेकेदार हो। और जब कोई कहे ना कि जी पार्टी हो रही है तो हम उसको ट्रेंड बना देते हैं, तो जी लानत है हम पे, मीडिया को छोड़ो हम पे लानत है जो इन चीज़ों को शेयर ही नहीं करते।